रेवाड़ी के रहने वाले गुड़गांव में तैनात एक ट्रैफिक SHO द्वारा अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। फिलहाल मित्रिका के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। मित्रिका सतेंद्र सिंह रेवाड़ी के कालका रोड स्थित एक सोसाइटी के फ्लैट में किराए पर रहते थे और गुड़गांव में बतौर ट्रैफिक पुलिस SHO के पद पर कार्यरत थे। बीती शाम वे ड्यूटी कर गुड़गांव से रेवाड़ी स्थित अपने फ्लैट पर आए और परिजनों की माने तो सतेंद्र सिंह रात को खाना खाकर ठीक ठाक अपने कमरे में सोए थे। सुबह जब परिवार के लोग उठे तो उनका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। प्राथमिक जांच में आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल रेवाड़ी पुलिस मित्र के परिजनों के बयान के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच कर रही है। KM न्यूज चैन सिंह रिपोर्ट रेवाड़ी। क्या पूरा ये मामला था? ये जी सत्येंद्र सिंह जो है ना हमारे पुलिस विभाग में बतौर इंस्पेक्टर गुड़गांव में ट्रैफिक में तैनात थे जी। कल शाम को ये लगभग 11 बजे रात को अपने रिहायशी मकान जो किराए पर इन्होंने एक्साइज एंड टैक्सेशन जो सोसाइटी है कालाका चौक के ऊपर जी उस मकान में रहते थे वहाँ आए थे। जो रात को खाना वगैरह खा के ठीक ठाक सोए थे अचानक सुबह उनकी घरवाली ने देखा कि उसने जो है ना फांसी लगा रखी है। जो घर पे किसी प्रकार का कोई विवाद वगैरह की बात सामने नहीं आई जिन्होंने किसी अज्ञात कारणों से जो है ना फांसी लगा के जीवन लीला अपनी समाप्त कर। कोई सुसाइड नोट भी बरामद किया? नहीं, कोई सुसाइड नोट वगैरह। क्या कुछ कारण माने जा रहे हैं भाई? बस कुछ कारण नहीं है जी, परिवार वाले तो जो है ना भाई कुछ पैसों का भी लेनदेन बताया जा रहा है ना, इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं।